नमो ओरियंताण नमो सीताण नमो आर्याण नमो वज्जायण नमो लोये त्रिकालवर्ती सवसम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंदकुंदारियो जैन धर्मस्त मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः नमः समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचित अज्ञानतिमिरांधानं ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः आत्मज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानाद् अन्यत् करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहयं व्यवहारिणः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमुताय जाते भय अरियंतादि महान ओं नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो नमः सिद्धेभ्यो। महावीर परमात्मा के शासन में कुंदकुन आचार्य भगवान की आमनाई में अमृतचंद्र आचार्य भगवान की परंपरा में परम कृपाणु पूज्य गुरुदेव श्री ने ये जय घोष किया कि जगत के सभी भव्य आत्माएं परमात्मा ही है, सबको परमात्मा के बुलाने वाले निगोज से लेकर सिद्ध तक सभी जीवों को परमात्मा के रूप से देखने वाले पूज्य गुरुदेव श्री, ये हमारी एक ऐसी उपलब्धि है जिस उपलब्धि की महिमा अनंत काल में गाई नहीं जा सकती, क्योंकि अनंत काल में अपन को अनंत तीर्थंकर परमात्मा मिले, अनंत तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ओम ध्वनि मिली, लेकिन इस ओम ध्वनि के अंदर में मैं परमात्मा हूँ ये बात हम समझ नहीं पाए। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन से समझ पा रहे हैं तो गुरुदेव श्री का उपकार की गुण गाथा गाई नहीं जा सकती। सही माने में देखा जाए तो दृष्टि का निधान एक ऐसा परमागम है जिसके अंदर में 12 अंग 14 पूर्व का सार है, अनंत तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि का सार है, प्रत्येक भव्यात्माओं को अपने को किस तरह से देखना, किस तरह से जानना, अपने को कैसा मानना, ये विधान पूज्य गुरुदेव श्री ने इस परमागम के अंदर में बताया है। देखिए यदि अपन अपना नित्य क्रम चालू करे उसके पहले जो बोल हो चुके उसमें से एक बोल देखे 29 नंबर का बोल, तो उसके अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री फरमा रहे, अरे जीवो तुम साधारण हो ऐसा मत मानो। देखिए अपने को क्या मानना पूज्य गुरुदेव श्री सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, अरे जीवो तुम साधारण हो ऐसा मत मानो। जिन्हें पूर्ण दशा प्रकट हो गई है, जिन्हें पूर्ण दशा प्रकट हो गई है, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि अरे जीवो तुम हमारी नात और जात के पूर्ण प्रभु। देखिए परमात्मा जो पूर्ण प्रभु हो गए वो कहते हैं कि अरे जीवो तुम अपने को साधारण मत मानो, तुम हमारी नात के और हमारे जात के हो। देखिए कैसा संदेश है तीर्थंकर परमात्मा का गुरुदेव श्री के माध्यम से, अरे आत्माओ अरे जीवो आप अपने आप को साधारण मत मानो। जिसको पूर्ण दशा प्रकट हो गई ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा ऐसा कहते कि अरे जीवो आप मेरी नात के और मेरी जात के पूर्ण प्रभु हो, इस वक्त अभी तुम पूर्ण प्रभु हो। कैसे नाथ का? सिमंदर प्रभाव के नाथ का, जुगमंदर स्वामी के नाथ ना, स्वयं प्रभु स्वामी के नाथ का और जात का, एक ही उनके नाथ का और एक ही जात के पूर्ण प्रभु वो ऐसा कहते हैं। तुम अपने को हीन मत मानो, अंतर में पूर्ण प्रभु हो ऐसा मानो, अपने को हित मत मानो, अंतर में पूर्ण प्रभु है ऐसा मानो, ऐसा मानो मानो प्रभु मानो, आप भगवान हो ऐसा मानो, आप पूर्ण प्रभु हो मानो, आप अरियंत और सिद्ध के नात के और जात के हो ऐसा मानो। मैंने सिद्ध भगवंतों ने और अरियंत भगवंतों ने आपको हमको सबको अपनी नात में समा दिया, अपनी नात और जात तीर्थंकर परमात्मा की जात है, उन्हें हमारी और आपकी सबकी नात और जात पंच परमेष्ठी की नात और जात है। यदि पंच परमेष्ठी की नात और जात है तो पंच परमेष्ठी अपने को प्रभु देखते हैं, प्रभु मानते हैं, प्रभु अनुभवते हैं, तो अपन भी अपने आप को प्रभु जाने, प्रभु माने और प्रभु अनुभवे, ऐसा आदेश है
तीर्थंकर परमात्मा का जो पूज्य गुरुदेव श्री अपन को दे रहे हैं, अपने को पूर्ण प्रभु मानो इस वक्त, अभी अपने को पूर्ण प्रभु मानो, पूर्ण प्रभु मानो, पूर्ण प्रभु मानो। आपके नात और जात, तीर्थंकर परमात्मा की नात और जात के आप साधारण नहीं हो। जो इस युग के अंदर में तीर्थंकर परमात्मा की वाणी सुनते हैं, कुनकुनाचार्य भगवान की वाणी सुनते हैं, हरियंत परमात्मा की वाणी सुनते हैं, गुरुदेव की वाणी सुनते हैं, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है ये वाणी। इस युग के अंदर में वांझड़ी नहीं हो सकती। ये वाणी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों जीवों को आत्मा की अनुभूति करवाने वाली होती है। और जब वो तीर्थंकर परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा, पूर्ण प्रभु के नाथ अपने आत्मा को देख कर यह कहते हैं कि आप अपने आप को पूर्ण नाथ का और पूर्ण जात का, पूर्ण प्रभु मानो, समुन्द्र प्रभु के नाथ का और जात का पूर्ण प्रभु मानो, पूर्ण प्रभु मानो। देखिए अपने को देखने का विधान पलट जाए, ऐसा यह अद्भुत बोल है जिसके अंदर में आचार्य भगवान की वाणी को जो गुरुदेव श्री जीवंत करते हैं, समुन्द्र परमात्मा की वाणी को जीवंत करके कहते हैं कि अपनी नात और जात, प्रभु की नात और जात के अपन सबको ही है। अपने को साधारण मत मानो। जो अपने को भगवान आत्मा की बात सुनाते हैं, और यदि हम भगवान आत्मा की बात सुनते हैं तो हमारी नात और जात प्रभु की नात और जात है, पंच परमेष्टि की नात और जात है। पंच परमेष्टि की नात और जात माने भी वर्तमान में अपने को प्रभु देखो, वर्तमान में प्रभु है ऐसा मानो, ऐसा आदेश देते हैं, ऐसा उपदेश देता है, ऐसे निष्करण करुणा का बोध बहाते हुए कहते हैं कि प्रभु आप अपने आप को प्रभु जानो, प्रभु मानो। देखिए इससे मंगल संदेश और क्या हो सकता है। अपन ने अपने आप को प्रभु जाना और प्रभु माना नहीं, और जानने का और मानने का उपदेश देते हैं कि आप अपने आप को प्रभु मानो, प्रभु मानो। देखिए हमारी नात और जात के पूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु माने आप सम्यक दर्शन होगा, मुनि दशा आएगी, श्रेणी चढ़ेंगे, केवल ज्ञान होगा तब प्रभु होगा, नहीं। हमारी नात के और जात के पूर्ण प्रभु इस वक्त अभी वर्तमान में पूर्ण प्रभु है। देखिए कितनी अद्भुत बात है। तुम अपने को हीन मत मानो, मैं संसारी हूँ, अज्ञानी हूँ, ऐसा मत मानो, प्रभु मत मानो। देखिए वस्तु कितनी सुंदर है, कितनी अलौकिक है। तीर्थंकर परमात्मा अपने को प्रभु कहकर पुकार रहे हैं, प्रभु बोल के देखने के लिए बोल रहे हैं, अपने को प्रभु मानने को कह रहे हैं। जब मुनिराज और तीर्थंकर परमात्मा अपने को प्रभु मानने को कह रहे हैं तो इस बात के तथ्य को समझे, इस बात के हृदय को समझे, इस बात को गर्भ को समझे कि हम वर्तमान में प्रभु हैं। हमने अपने आप को प्रभु जाना और माना नहीं, वही तकलीफ है। हम मानते अपने को हम अशुद्ध है, हमारे में विकार होता है, हम अज्ञानी हैं, हमें शुद्धता प्रकट करनी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ नहीं है ऐसा। प्रभु वर्तमान में पूर्ण प्रभु हो। जब तीर्थंकर परमात्मा की नात के और जात के पूर्ण प्रभु हो तो इससे मंगल और क्या हो सकता है। बात तो सिर्फ इतनी कह रहे कि आपको क्या करना है, अंतर में पूर्ण प्रभु हो ऐसा मानो, अंतर में अभी इस वक्त पूर्ण प्रभु हो ऐसा मानो, बस इतनी मानने की बात है। माना तो प्रभु है ऐसी दृष्टि जाएगी, दृष्टि जाएगी तो अनुभूति होगी। कितना सरल, सुगम और सहज स्वाभाविक उपाय पूज्य गुरुदेव श्री बतला रहे। देखिए मंगलमय आशीष है गुरुदेव श्री का, ऐसे आशीष जो वितराग मार्ग के सिवाय, वितराग परमात्मा के मार्ग के सिवाय, उस मार्ग पर चलने वाले साधक पुरुषों के सिवाय कहीं मिल नहीं सकता। अपने को प्रभु देखे और दूसरे को प्रभु जाने और मानने को कहे कि आप भी प्रभु प्रभु हो। यदि अपने आप को प्रभु जानोगे, प्रभु मानोगे तो प्रभु के ऊपर दृष्टि जाएगी तो प्रभु हो जाओगे, क्योंकि स्वभाव से प्रभु है। जो स्वभाव से प्रभु है वो अपने को स्वभाव से प्रभु माने। कितनी मंगल बात, कितनी अद्भुत बात, कितनी अलौकिक बात है पूज्य गुरुदेव श्री। प्रभु मानने को कहते हैं कि तुम अपने आप को अज्ञानी मत मानो, संसारी मत मानो, संसार में परिभ्रमण करते हो ऐसे मत मानो। तेरी नात और जात पंच परमेष्टि की नात और जात है। जब पंच परमेष्टि की नात और जात समझ में आती है तो अपने को प्रभु मानता है, और प्रभु मानने से प्रभु के ऊपर दृष्टि जाती है। तो क्या करना, प्रभु के अंतरंग में बैठकर अपने को प्रभु को देख,
परिणाम में बैठकर मैं आत्मा ऐसा ज्ञान से ऐसा, दर्शन से ऐसा ऐसा मत देख, परिणाम को मत देख, क्योंकि परिणाम में बैठकर आत्मा को देखने से परिणाम और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हो जाते हैं। जबकि आत्मा में बैठकर मैं आत्मा हूँ ऐसे देखते ही आत्मा की अनुभूति हो जाती है। कितना सरल मार्ग है प्रभु, अपने को दूसरे में बैठकर दूसरे को देखना नहीं है, अपने में बैठकर अपने को प्रभु मानना है, परमात्मा मानना है। और जहाँ परमात्मा माना तो क्या होगा, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं अपरिणामी परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, वर्तमान में पूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु। ऐसी दृष्टि होते ही परिणाम योग्यता अनुसार हो जाएगी। आपको परिणाम के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परिणाम में जो होना है वो अपनी योग्यता अनुसार होते ही होते हैं। सर्वसम हो नहीं हो, याद रहे नहीं रहे, इसकी परवाह मत करो। मैं पूर्ण प्रभु हूँ ऐसा देखो प्रभु। बस जहाँ पूर्ण प्रभु ऐसा देखा तो क्या होगा, असंख्यात प्रदेश में व्यापक हो जाओगे, फैल जाओगे असंख्यात प्रदेश के अंदर और आनंद बहने लगेगा। ऐसी अद्भुत देन, ऐसी अद्भुत वाणी पूज्य गुरुदेव श्री को अपने को मिली है। प्रभु के अंतरंग में बैठकर अपने को प्रभु, पूर्ण प्रभु देखने की बात है। पूर्ण प्रभु देखा कब जाएगा, जब अपने को पूर्ण प्रभु मानोगे तब प्रतीति होगी, श्रद्धा न होगा, ज्ञान होगा कि मैं पूर्ण प्रभु हूँ ऐसा जानेगा मानेगा तो पूर्ण प्रभु के ऊपर दृष्टि जाएगी, और पूर्ण प्रभु के ऊपर दृष्टि जाएगी तो पूर्ण प्रभु हो जाएगा। वो परिणाम के अंदर में जो हो जाएगा वो अपनी योग्यता अनुसार होगा, वो जो पर्याय होने वाली होगी वह होगा। आप ऐसा मानो पर्याय थवावाड़ी थाओ, योग्यता अनुसार थाओ, मैं तो वर्तमान में प्रभु हूँ। देखिए ज्ञानियों के संदेशा इतने मीठे मधुरे होते हैं, जो ये कहता है कि आपका लक्ष्य और ध्येय दोनों एक होना चाहिए। लक्ष्य दूसरा और ध्येय दूसरा, ये चल नहीं सकते समाज के अंदर। ध्येय परमात्मा, लक्ष्य पर्याय के अंदर में कार्य हो, ये नहीं चल सकता। लक्ष्य और ध्येय, लक्ष्य भी परमात्मा और ध्येय भी परमात्मा। पूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु, पूर्ण प्रभु। ऐसी जहाँ दृष्टि गई वे कैसे जाएगी, तो कि परमात्मा में बैठकर परमात्मा को देखो, अपने को परमात्मा मानो। जहाँ अपने को परमात्मा माना अनुभूति हो जाएगी, प्रभु बन जाएगा। जब तीर्थंकर परमात्मा ये आह्वान कहते हैं, मैं आपको आह्वान करता हूँ कि आप मेरी नात के और जात के पूर्ण प्रभु हो, तो इससे मंगल संदेश और विश्व के अंदर में कोई हो नहीं सकता, इससे अलौकिक संदेश और कोई हो नहीं सकता। ये वस्तु की व्यवस्था को समझने का एक बहुत सरल, सुगम, सुंदर विधान है जो आचार्य भगवंतों ने हमें बताया है। वस्तु की व्यवस्था बहुत प्रभु अद्भुत है, बहुत अलौकिक है, बहुत सुंदर है। अपन को जैसी वस्तु है, जहाँ से गुरुदेव श्री बता रहे हैं वहीं से वस्तु को देखना है, और वहाँ से देखने का प्रयत्न करें और वस्तु देखने में नहीं आवे ऐसा हो नहीं सकता। अपने को पूर्ण प्रभु माने और प्रवण प्रभु देखे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पहले मानो तो सही प्रभु, जब अपने को पूर्ण प्रभु मानोगे तो पूर्ण प्रभु के ऊपर दृष्टि जाएगी, जाएगी और जाएगी, और अनुभूति होगी, होगी और होगी। ये गारंटी है तीर्थंकर परमात्मा की, सर्वज्ञ परमात्मा की। जो पूर्ण प्रभु हो चुके हैं वो अपने स्वभाव के अंदर में लीन रहते हुए, वो जिस विधि से पूर्ण प्रभु हुए उस विधि से अपने को देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसने अपने को पूर्ण प्रभु माना तो पूर्ण प्रभु हो गए। तू अपने को पूर्ण प्रभु मान तो तू भी पूर्ण प्रभु हो जाएगा। तो मानने की बात है, यदि ये श्रद्धा न हो जाए तो वस्तु कहीं दूर नहीं है प्रभु। अत्यंत सरल वस्तु है, स्वाभाविक वस्तु है, प्रकट वस्तु है, विद्यमान वस्तु है, हाजरा हजूर वस्तु है। वो सभी सभी को एक बात पे आना है। देखिए सुगन जी साहब कहते हैं, स्वयं संभव नहीं हो मत देखो, याद रहे नहीं रहे मत देखो, लेकिन मैं अपरिणामी परमात्मा हूँ ऐसा देखो। ऐसा देखने से ही आत्मा की अनुभूति हो जाएगी।
ये सरल विधान है प्रभु, कोई कठिन काम नहीं है, एकदम मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि ऐसा देखिए सुबह में कहा ना, स्वानुभव गोचर स्वभाव जिसका, ये तो स्वभाव है स्वानुभव गोचर, स्वानुभव में आवे ऐसा भगवान आत्मा है। लेकिन आता कैसे है, किसको, जो मानता है। गुरुदेव श्री ने कहा ना, जो प्रतीति करे, जो जाने, जो श्रद्धान करे उसको, जो श्रद्धान नहीं करे उसको तो जीवी की श्रद्धा ही नहीं हुई। तो मैं प्रभु हूँ ऐसा माने उसको प्रभु है, जो प्रभु हूँ ऐसा माने उसको प्रभु, कारण परमात्मा है उसको कार्य परमात्मा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जो माने उसको नहीं, माने उसको नहीं। तो इसलिए गुरुदेव श्री ने कहा कि मैं पूर्ण प्रभु हूँ ऐसा अंतर में अपने आप को मानो। ऐसी अद्भुत बात, ऐसा अलौकिक संदेश, ऐसा मंगल संदेश इस दस लक्षण महापर्व में पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया। क्योंकि ये त्रैकालिक महापर्व, पर्व दो प्रकार के होते हैं, त्रैकालिक महापर्व और एक तो तात्कालिक पर्व। तात्कालिक पर्व समयवर्ती होता है, व्यक्ति विशेष होता है। त्रैकालिक पर्व अखंड अबाधित त्रिकाल होते हैं, जैसे अष्टानिका पर्व त्रैकालिक है, ऐसे दस लक्षण पर्व भी त्रैकालिक है। ये त्रैकालिक महापर्व में त्रैकालिक परम सत्य की बात पूज्य गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि तू प्रभु है ऐसा मानो। ये त्रैकालिक सत्य है, जिस दिन तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं प्रभु हूँ उस दिन तुझे आत्मा की अनुभूति हो जाएगी। त्रैकालिक सत्य की बात को बताते हुए पूज्य गुरुदेव श्री अपन को दृष्टि के निधान के पुस्तक में आत्मा की दृष्टि करने का विधान बताया, विधि बताई। अभी अपन चलते विषय के अंदर में, कल 113 नंबर का बोल चला था जिसके अंदर मैं कहा था ध्रुवीय पर दृष्टि करके नज़रबंदी करना चाहिए। देखिए बस ये बात बहुत मूल्यवान है, मूल्यवान नहीं अमूल्य है, इसका मूल्यांकन किया नहीं जा सकता। किस बात का, 113 नंबर का बोल में नीचे से दूसरी लिटी है, ध्रुवीय पर दृष्टि करके नज़रबंदी करना चाहिए। कहाँ पर दृष्टि करके, पर्याय से दृष्टि हटा के ऐसा नहीं कहा, द्रव्य पर दृष्टि करके। द्रव्य पर दृष्टि करके उसका नास्ती से मतलब होता पर्याय पर दृष्टि नहीं करके, उसका मतलब होता द्रव्य पर दृष्टि करके नजरबंदी होना चाहिए। देखिए नजरबंदी करना चाहिए, नजरबंदी माने हिप्नोटाइज्ड, अपने स्वभाव के ऊपर में ऐसा हिप्नोटाइज हो जाए कि वहां से दृष्टि नहीं हटे। ऐसा मधुरम परमात्मा है, मीठा मधुरम, मीठा मेरा मन, ऐसा अपना परमात्मा है। जिसकी उसके ऊपर दृष्टि जाती है उसकी दृष्टि वहां पे स्थिर हो जाती है, भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि स्थिर हो जाती है, एकदम बिल्कुल थम जाती है, रुक जाती है, एकदम चिपक जाता है अपने स्वभाव से। तो वे बात कहते हैं द्रव्य पर दृष्टि करके नज़रबंदी करना चाहिए। नज़रबंदी का अर्थ कहा स्थिर दृष्टि, स्थिर दृष्टि का अर्थ है परमात्मा में चिपक जाना। देखिए जगत के जीव संसार में चिपके हैं, मुमुक्षु जीव देवगुरु शास्त्र में चिपके हैं, वहाँ से उसको दृष्टि को हटाना होगा और अपने स्वभाव पर नज़रबंदी करना होगा, करना चाहिए। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का संदेश है, मुझे मेरे सिवा अन्य किसी का सहारा नहीं चाहिए। पर्याय को पर्याय का आधार है, द्रव्य को द्रव्य का आधार है, पर्याय को द्रव्य का आधार नहीं, द्रव्य को पर्याय का आधार नहीं, पर्याय द्रव्य का आलंबन नहीं लेती, द्रव्य पर्याय का आलंबन नहीं लेती। ऐसी वस्तु है प्रभु, ऐसी वस्तु की व्यवस्था, ऐसा वस्तु का अनादि अनंत त्रिकाल अबाध्य अकाट्य संबंध सिद्ध स्वभाव है, एकदम सिद्ध स्वभाव, एकदम निश्चित स्वभाव, नियमित स्वभाव, एक रूप स्वभाव। पर्याय हमेशा अनादि अनंत अनित्य, द्रव्य अनादि अनंत नित्य, उसे वस्तु की व्यवस्था है। पर्याय एकांत अनित्य और द्रव्य एकांत नित्य, ये सम्यक है, यही सत्य है प्रभु। तो इसलिए कहते द्रव्य पर दृष्टि करके नज़रबंदी करना चाहिए, हिप्नोटाइज हो जा भगवान स्वभाव के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, द्रव्य के ऊपर, शुद्धात्मा के ऊपर, भगवान आत्मा के ऊपर नज़रबंदी हो जानी चाहिए तेरी दृष्टि की। किसकी नज़रबंदी होनी चाहिए, कहाँ पर दृष्टि स्थिर होनी चाहिए, भगवान आत्मा के ऊपर, द्रव्य पर। द्रव्य पर माने भगवान आत्मा पर, भगवान आत्मा पर माने प्रभु पर, परमात्मा पर,
दृष्टि स्थिर हो जानी चाहिए, मैं हूँ बस, यहाँ पे आके सबको रुकना है, ये जगह पे सबको आना है, भारत क्षेत्र के सभी भूय जीवों को इस जगह पे आना है, मार्ग इतना ही है, यहीं पर है, बाकी सारी बात समझने के लिए है, समझ के निर्णय करने के लिए, निर्णय करके स्वभाव के ऊपर आने के लिए है, मैं यह हूँ और यह नहीं हूँ, द्रव्य सोमय और पर्याय सोमय नहीं, फिर कौन सी पर्याय, ये चर्चा ही नहीं है, स्वसन्मुख पर सन्मुख, स्वभाव विभाव, रागादि वितरागता, अशुद्धता शुद्धता, विकल्प निर्विकल्पता, सम्यक्त्व मिथ्यात्व, आश्रव बंध संवर निजरा, ये कोई बात ही नहीं है, सारे के सारे पर्याय के परिणाम है, उसको अपने में रहने दो, अपनी योग्यता अनुसार होती है, जैसी होती है ऐसे उसको होने दो, उसके ऊपर आपकी बल जबरी चल नहीं सकती, आपका जोर तो एक जगह पर रहना चाहिए द्रव्य स्वभाव पे, यदि द्रव्य स्वभाव पे जोर आया तो बस दृष्टि अपने आप स्थिर हो जाएगी, क्योंकि स्थिर तत्व को देखा तो दृष्टि भी स्थिर हो जाएगी, निष्कंप तत्व को देखा तो दृष्टि भी निष्कंप हो जाएगी, दृष्टि भी यह कहेगी कि मैं निष्कंप हूँ, अरे प्रभु आप परिणाम ते परिणाम हो ना, मेरे को नहीं पता मैं तो निष्कंप हूँ, अरे आप तो अभी पलट जाएंगे ना, अभी आपका व्यय हो जाएगा ना, मैं तो निष्कंप हूँ, और कोई भाषा बोलती ही नहीं हो प्रिय, जो अपने को निष्कंप देखती है, शुद्धात्मा देखती है, भगवान आत्मा देखती है, उसकी दृष्टि द्रव्य पर स्थिर हो जाए, मैं हूँ बस, यहाँ पे सभी जीवों को आना है, ऐसा मंगल संदेश पूज्य गुरुदेव श्री ने कल 113 नंबर के बोल में बताया था, अभी आज अपन 114 नंबर का बोल देखते हैं, चैतन्य के लक्ष्य बिना, देखिए क्या कहा, किसके लक्ष्य बिना, परिणाम के लक्ष्य बिना, पर के लक्ष्य बिना, कुछ नहीं, चैतन्य के लक्ष्य बिना जो कुछ भी किया जाएगा वह सत्य से विपरीत होगा, चैतन्य के लक्ष्य बिना जो कुछ भी किया जाएगा, मैंने आपको चैतन्य के लक्ष्य के अलावा और कुछ करना ही नहीं, उसका मतलब ये होता है, एक चैतन्य का लक्ष्य, एक चैतन्य की दृष्टि, एक चैतन्य मैं हूँ ऐसा नजर, ऐसी नजरबंदी, ऐसी स्थिर दृष्टि, उसके बिना जो कुछ भी किया जाएगा, चैतन्य के लक्ष्य बिना जो कुछ भी किया जाएगा, मैंने आपको एक चैतन्य के लक्ष्य के अलावा और कुछ नहीं करना है, उसके बिना यदि कुछ भी किया जाएगा तो क्या होगा, वह सत्य से विपरीत होगा, चैतन्य का लक्ष्य वो एक ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, देखिए गुरुदेव श्री की ये बात कितनी मंगलकारी बात है, कितनी सिद्धांतिक बात है, कितनी अफर अचल निश्चल बात है, सभी जीवों को यहाँ पे आना, कहाँ पे आना है, चैतन्य का लक्ष्य, और चैतन्य का लक्ष्य होता कैसे है, मैं चैतन्य हूँ, बहुत सिंपल सरल प्रिंसिपल है, बहुत सिंपल सरल सिद्धांत है, मैं चैतन्य हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा अपना जो स्वभाव है उसका लक्ष्य किया, ऐसी दृष्टि की तो सत्य के ऊपर सारी की सारी बात खरी उतरेगी, सत्य के मार्ग के ऊपर, चैतन्य के लक्ष्य बिना कुछ भी किया जाएगा, कुछ भी माने शरीर को एकत्व छोड़ना, इससे काम नहीं बनेगा, छूटना चाहिए, छूट जाता है वो एक अलग बात, जहाँ दो द्रव्यों की भिन्नता समझी, शरीर से कर्म से राग से इसकी भिन्नता उसको समझ में आ गई, परिणाम का एकत्व टूट गया, तब चैतन्य का लक्ष्य होता है, अब चैतन्य के लक्ष्य के बिना कुछ भी करे, बाकी कुछ भी करे, कितना भी देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में बैठ जाए, 12 घंटा स्वाध्याय करे, 8 घंटा चिंतन मनन करे, वन जंगल के अंदर में मुनि दीक्षा धारण कर ले, 28 मूलकुल पंचमावरत समिति गुप्ती का तीर्थंकर परमात्मा की ओम ध्वनि में जैसा आया ऐसे पालन करे, उससे काम होने वाला नहीं है, सत्य से विपरीत होगा,
ये बात अलग है कि जब चैतन्य स्वभाव का लक्ष्य होता है, उसकी एकाग्रता होती है, उसकी एकता होती है, उसमें अपनापन होता है, उसमें आम होता है, तब ये सब छूट जाता है। ये सब छूटने वाली व्यवस्था है, छोड़ने वाली व्यवस्था नहीं है। छोड़ने का मतलब होता है आपने ग्रहण किया था, और छोड़ने का मतलब होता है ममत्व। जिसको ग्रहण किया उसको छोड़ा जाता है, लेकिन जो अपनी चीज ही नहीं, शरीर अपना है ही नहीं, तो उसको छोड़ना क्या। ये छोड़ने का अभिप्राय मिथ्या तो है, उसका ममत्व है। मैंने अपना माना था तो मैं उसको छोड़ता हूँ, तो ममत्व है, ममत्व है तो मिथ्या तो है। कर्म, अब जो कर्म स्वयं जड़ है उसको क्या छोड़े। कर्म का नाश करना है, एकत्व है। कर्म का अपना माना, चेतन को अचेतन माना, और अचेतन से भी तू चेतन होना चाहता है, तो ये विधान नहीं है वस्तु को देखने का। रागादि भाव, आत्मा में रागादि भाव होते ही नहीं है, आत्मा में ज्ञान होता है। राग का त्याग करना है, राग का अभाव करना है, ये सत्य से विपरीत दृष्टि है। पर्याय का एकत्व तोड़ना, पर्याय और द्रव्य दो जो स्वभाव है उसके अंदर में एक तू है और एक तू नहीं है। ये बात अलग है कि जब शुरुआत की भूमिका के अंदर में ऐसे सब विकल्प होते हैं, लेकिन अपन को एक निर्णय पे आना है, एक सिद्धांत पे आना है, एक जगह पर आना है जहाँ पे मक्कमता अचल हो, निर्णय अफर हो, दृष्टि स्वभाव के ऊपर में हो, ज्ञान स्वभाव को जानना छोड़े नहीं, दृष्टि स्वभाव के ऊपर से फिरे नहीं, पर मस्तिष्क झुका हुआ रहे। उसका मतलब ये होता है, कभी कहीं से ये दृष्टांत कहा जाता है, कहीं से ऐसा संदेश आवे कि अभी सोनगढ़ के अंदर में पूज्य गुरुदेव श्री एक दिन के लिए पधार रहे हैं, ये गगनवाणी हुई तो सब कोई चार्टर प्लेन करके किसी भी तरह से गाड़ी से प्लेन से सोनगढ़ पहुंच जाएंगे, कोई कोरोना नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें गुरुदेव के दर्शन होंगे। और जब गुरुदेव श्री आकाश में से नीचे उतर आए तो सबका हर्ष कितना होगा, उल्लास कितना होगा, और क्या होगा, किसी की दृष्टि गुरुदेव के ऊपर से हटेगी, हृदय में हर्ष होगा, नजर गुरुदेव के ऊपर होगी, मस्तिष्क झुका हुआ रहेगा, हाथ जुड़ा हुआ रहेगा, ये सारी बातें एक साथ में होगी। मस्तिष्क झुका हुआ, नजर गुरुदेव के ऊपर में, हाथ जुड़ा हुआ और हृदय हर्षित। जहां गुरुदेव के ऊपर में दृष्टि स्थिर हो गई तो न दृष्टि वहां से हिल सकती है, न मस्तिष्क वहां से हिल सकता है, न वात हाथ वहां से छूट सकता है। ये विधान है गुरुदेव को देखने का, गुरुदेव का दर्शन का। अब जैसे गुरुदेव का दर्शन, से आत्मा का दर्शन। अभी गुरुदेव ने कहा कि तू वर्तमान में प्रभु है, पूर्ण प्रभु है, ऐसा मानो। तो पूर्ण प्रभु माना तब क्या होगा, दृष्टि पूर्ण प्रभु के ऊपर में, ज्ञान प्रभु के ऊपर में, श्रद्धा प्रभु के ऊपर में, प्रतीत प्रभु के ऊपर में, मस्तिष्क झुका हुआ, माना मस्तिष्क झुका हुआ माना परिणाम स्वभाव के ऊपर झुकते हुए उत्पन्न हो जाएंगे, और आनंद बहने लगेगा, मन ज्ञान हर्षित हो जाएगा, ज्ञान के साथ में आनंद बहने लगेगा। इसलिए कहते हैं चैतन्य के लक्ष्य बिना जो कुछ भी किया जाएगा वह सत्य से विपरीत होगा। सम्यक ज्ञान की कसौटी पर कसने पर से उसकी एक भी बात सत्य नहीं निकलेगी। देखिए बहुत अकाट्य अबाधित सिद्धांत की घोषणा है, सम्यक ज्ञान की कसौटी पर कसने पर उसकी एक भी बात सत्य नहीं निकलेगी। कौन सी एक सी बात सत्य नहीं निकलेगी, चैतन्य के लक्ष्य के बिना कुछ भी प्रवृत्ति की जाए, कोई भी प्रवृत्ति की जाए, कोई भी प्रवृत्ति, वो सम्यक ज्ञान की कसौटी पर कसने पर, सम्यक ज्ञान की कसौटी, जिसको सम्यक ज्ञान होता है उसको, जिस विधि से सम्यक ज्ञान होता है उसकी कसौटी पर कसने पर उसकी एक भी बात खरी नहीं निकलेगी, सत्य नहीं निकलेगी। देखिए कितनी अफर बात होगी, तो इतना अभूतपूर्व स्टेटमेंट पूज्य गुरुदेव श्री का है, ये बात विचारने योग्य है।
किसके बिना? चैतन्य के लक्ष्य बिना। यदि चैतन्य के लक्ष्य हो तो सम्यक ज्ञान की कसौटी पर सत्य निकलेगी, और चैतन्य के लक्ष्य बिना आत्मा की कितनी भी ऊंची ऊंची बातें हो, विकल्प कितना भी हो, चिंतन कैसा भी हो, तो सम्यक ज्ञान की कसौटी पर सत्य नहीं निकल सकती। मुमुक्षु जीव प्रयत्न तो बहुत करते, नहीं करते ऐसा तो है नहीं, और प्रयत्न करने के बावजूद भी अनुभूति नहीं होती। सम्यक ज्ञान की कसौटी पे कसने पर सत्य नहीं उतरती, क्यों? तो कहते हैं चैतन्य के लक्ष्य बिना। तू परमात्मा है ऐसा कितना भी विकल्प कर ले, ये पुण्य के ढेर के अलावा और कुछ नहीं है। और पुण्य और पाप जिनेन्द्र शासन की दृष्टि में पाप ही होते हैं, क्योंकि जहां पे चैतन्य का लक्ष्य नहीं हुआ उस बात की कोई कीमत ही नहीं है। सम्यक ज्ञान की कसौटी पर कसने पर वो सत्य नहीं निकलेगी, मैंने सम्यक ज्ञान नहीं होगा इस चैतन्य के लक्ष्य बिना आप कितना भी प्रयत्न कर लो। एक जगह पे लक्ष्य होना चाहिए चैतन्य, मैं ध्रुव, बस वो एक बात होनी चाहिए, मैं अपरिणाम, मैं परमात्मा, मैं भगवान, मैं नित्यानंद का नाथ, पूर्ण प्रभु, निर्विकल परमात्मा अभी हूँ, ऐसी दृष्टि होनी चाहिए, ऐसा गुरुदेव से फरमाते हैं। देखिए उसलिए क्या कहते हैं, इसलिए जिसे आत्मा से मैं अपूर्व धर्म करना हो उसे अपनी पूर्व पहले की सभी मान्यताएं अक्सर अक्सर खोटी थी। जिसे आत्मा में अपूर्व धर्म करना हो उसे अपनी पूर्व पहले की सभी मान्यताएं अक्सर अक्सर खोटी थी। अक्सर अक्सर वाक्य वाक्य नहीं, शब्द शब्द झूठी थी, ऐसा समझकर सारी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। देखिए पूरा जैन दर्शन है इसके अंदर में, ये बात समझना होगा। अपनी पूर्व की जितनी भी बातें थी, जितना भी उनका अभिप्राय था, वो पूरे के पूरे खोटे थे, अक्सर अक्सर खोटे थे, ऐसा समझकर मैंने मेरे को भगवान आत्मा क्या है उसका अता पता ही नहीं है, नहीं था, ऐसा समझकर अपनी सारी दृष्टि बदलनी होगी। सारी दृष्टि बदल, सारी दृष्टि एक जगह पे लाना होगा चैतन्य के ऊपर, भगवान आत्मा के ऊपर। बस इतना ही मार्ग, इतना ही वस्तु को समझने का विधान है। देखिए है कि नहीं, इसलिए जिसे आत्मा में अपूर्व धर्म करना उसे अपनी पूर्व पूर्व की सभी मान्यता है या पहले की सभी मान्यता अक्सर अक्सर खोटी थी ऐसा समझकर। मैंने आपको कुछ करना नहीं, समझना है कि आज तक हमने जो किया वो गलत किया, समझना है। समझना क्या है कि मैं समझण का पिंड हूँ ऐसा समझना है, मैं चैतन्य मूर्ति हूँ ऐसा समझना है, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा समझना है, मैं पूर्ण प्रभु हूँ ऐसा समझना है। सारी दृष्टि बदलनी होगी। यदि पहले की मान्यता सुरक्षित रखकर उसके साथ इस बात का मेल बिठाना चाहे तो अनादि की विपरीतता नहीं मिटेगी। जो पूर्व की बात है अपना पक्ष है, जो व्यवहार नहीं का पक्ष, प्रमाण का पक्ष, निश्चय नहीं का पक्ष, कहीं ना कहीं अनादिकाल से कोई ना कोई पक्ष रहा है, वे उस बात को साथ में रखकर, इस बात को कंटिन्यूटी में रखकर, अपने अभिप्राय को एक साथ में रखकर यदि नई बात का मेल करना जाएगा तो अनादि की विपरीतता नहीं मिटेगी, और यह नया अपूर्व सत्य उसे समझ में नहीं आएगा। प्रभु आज तक जो तू समझा उसकी एक पोटली बांध, और पोटली बांध के समुद्र में फेंक दे। मेरे को छह द्रव्य किसको कहते हैं, सात तत्व किसको कहते हैं, कुछ पता ही नहीं, और अपना सर्वस्व गुरु के चरण में अर्पण कर, समर्पण कर, सर्वस्व समर्पण कर। अपना मस्तिष्क हथेली में रखकर गुरु के पास में जा, कह के हे गुरुदेव मैं नहीं जानता आत्मा कैसा है,
क्योंकि आज तक मैं ऐसा समझता था मैं सब कुछ समझता हूँ, जबकि आत्मा ही समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं समझता। ऐसा समझकर, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर, गुरुदेव के चरणों में अपना मस्तिष्क को झुकाकर रखकर यह कहे प्रभु आज से आप जैसे बताएंगे ऐसे हम चलेंगे और मानेंगे। तो गुरुदेव श्री का उपदेश से आके चैतन्य का लक्ष्य कर, बस इतनी सी बात। अपनी पूर्व की पहले की सारी बात को मिटा दे अंतरंग से, उन्हें पार्टी को एकदम स्लेट को एकदम कोरी कर दे। उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, इतना सारा लिखा हुआ, लिखने के ऊपर लिखा, लिखने के ऊपर लिखा, उस लिखने के ऊपर तो लिखने जा रहा तो कुछ पढ़ ही नहीं सकता क्या लिखा है, पूरा घोटाला ही घोटाला हो रहा है। अपने अंतरंग को स्पष्ट कर दे, एकदम स्वच्छ कर दे, एकदम कोरी पाटी कर दे, मुझे कुछ नहीं पता। तो बात प्रभु की ही आएगी, गुरु की ही आएगी कि तू पूर्ण प्रभु है, ऐसा मान। ऐसा मानेगा तो क्या होगा, तो कि चैतन्य का लक्ष्य होगा। चैतन्य का लक्ष्य होगा तो क्या होगा, ये सारी की सारी बात सत्य होगी। सत्य होगी तो क्या होगा, सम्यक ज्ञान की कसौटी पे सारी की सारी बात सच्ची निकलेगी। सच्ची निकलेगी तो क्या होगा, आत्मा में अपूर्व धर्म होगा। कितनी सुंदर बात है ना प्रभु, अपन इतनी नास्ती से चल रहे हैं, अपने पूर्व पक्ष को कायम रखकर चल रहे हैं, पहले के पक्ष को कायम रखकर, अपनी मान्यता को, अभिप्राय को ठीक किए बिना परिणाम के अंदर में अनुभूति हो उसके लिए मैं परमात्मा हूँ, ऐसा लक्ष्य हमने अनादिकाल से किया, तो उसको कारण परमात्मा नहीं है, ऐसा गुरुदेव श्री ने सुबह में फरमाया। उसको जीव की श्रद्धा ही नहीं है, क्यों नहीं है, कि नहीं माना मैं प्रभु हूं, प्रभु हूं ऐसा नहीं माना तो चैतन्य का लक्ष्य नहीं होगा। तो प्रभु हूं ऐसा मानेगा तो चैतन्य का लक्ष्य होगा, चैतन्य का पक्ष होगा, चैतन्य की दृष्टि जाएगी, चैतन्य का अनुभव होगा। अनुभव होगा तो सम्यक ज्ञान पे सारी बात सत्य निकलेगी, और उसके बिना कुछ भी कराया जाएगा, कुछ भी किया जाएगा वह सत्य से विपरीत होगा। देखिए, या तो अपनी मनमानी करें या गुरु की माने, दो में से एक बात है। मनमानी अनंत काल पे की तो भगवान आत्मा ने जवाब नहीं दिया। अब गुरु की एक बार सुने, ऐसा गुरु तत्व, ऐसा गुरुदेव श्री मिले, एक बार गुरुदेव श्री की बात को सुने। क्या करना है, चैतन्य का लक्ष्य, और लक्ष्य का मतलब मैं हूँ, नजर का मतलब मैं हूँ, दृष्टि का मतलब मैं हूँ, स्थिर दृष्टि का मतलब मैं हूँ, नजरबंदी का मतलब मैं हूँ। तो सीधी दृष्टि चैतन्य के ऊपर जाती है तो सम्यक ज्ञान की कसौटी पर बात खरी निकलेगी, सत्य निकलेगी। यदि ऐसा नहीं किया तो सम्यक ज्ञान की कसौटी पर एक भी बात खरी नहीं निकलेगी, सत्य नहीं निकलेगी। भी अपने को धर्म करना है, अपूर्व धर्म करना है, अनादिकाल से नहीं कि हुआ ऐसा धर्म करना है। अपूर्व पक्ष आना चाहिए, बात अपन मानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन सही में नहीं समझते। सही में समझ ले तो बात तो बहुत सरल है, क्या चैतन्य का लक्ष्य, एक बात है, द्रव्य पर दृष्टि कर, चैतन्य का लक्ष्य कर, शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा मान ले, मैं पूर्ण प्रभु हूँ ऐसा मान, बस इतनी सी तो बात है, और कौन सी बात है। पर्याय के ऊपर से दृष्टि हटाकर पर्याय में बैठा वहां से उड़ जा और अपरिणामी में बैठ जा प्रभु, बस और कुछ नहीं करना है। वस्तु की व्यवस्था इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत, इतनी अलौकिक, इतनी महामहिमावंत अपना स्वभाव है कि जहां स्वभाव के ऊपर दृष्टि किया तो धर्म प्रकट हो जाएगा। देखिए, इसलिए जिसे आत्मा में अपूर्व धर्म करना हो, जिसे धर्म करना है, बात उसके लिए है, जिसको धर्म करना है उसको चैतन्य का लक्ष्य करना होगा। अब जिसको वार्ता करनी हो वो परिकथा करता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जिनेन्द्र शासन में आकर यदि परिकथा की कल्पना ही करते रहे,
अपनी कल्पना से आत्मा को देखने का प्रयत्न करता रहे, परिणाम में सम्यक ज्ञान हो, उसके लिए मैं परमात्मा हूँ ऐसा चिंतन मनन करता रहता है, परिकथा है और क्या है। प्रभु बात थोड़ी कड़वी है, थोड़ी आकरी है, लेकिन सच्ची है प्रभु, क्योंकि इस बात का हमने कभी भी अंतरंग के अंदर में गौर नहीं किया। धर्म करने का प्रयत्न हमेशा किया, अपूर्व लाभ लेने का प्रयत्न हमेशा किया, लेकिन चैतन्य का लक्ष्य नहीं किया। पहले की सभी मान्यताएं, सभी अभिप्राय अक्सर अक्सर खोटी थी, ऐसा समझकर पूरा एकदम शून्य कर देना होगा, पूर्व की सारी बात को शून्य कर देना होगा, जीरो करना और एक से शुरुआत करनी होगी। और एक से शुरुआत करे तो कहाँ एक कहाँ पर है, मैं चैतन्य बस वही एक है। पहला ये बात यह है, पहली बात सुगानी जी को कहा गया कि एकदम शुरू शुरू वाले जीव को पहले से पहले क्या करना चाहिए, तो ध्रुव में अहम करना चाहिए। बस बात तो इतनी सी है प्रभु, आप सुगानी जी की बात देखो, गुरुदेव की बात देखो, अमरचंद्र आचार्य की बात देखो, जयसेन आचार्य की बात देखो, कुनकुन आचार्य की बात देखो, धरसेन आचार्य की बात देखो, गौतम गणधर की बात देखो, महावीर परमात्मा की बात देखो कि सिमंदर परमाकर की बात देखो, बात एक है कि मैं पूर्ण प्रभु हूँ, ऐसा चैतन्य का लक्ष्य, एकमात्र विधान, एकमात्र दृष्टि, एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र नजर, ये भगवान आत्मा को समझने का सरल सुगम सहज स्वाभाविक विधान है। तो ऐसी दृष्टि हो तो स्वानुभव तो स्वभाव है, स्वानुभव में गम्य हो भगवान आत्मा ऐसा तो स्वभाव है, वो तत्काल प्रकट हो जाता है। प्रभु किसी को कुछ प्रयत्न नहीं करना, प्रयत्न परिणाम में होते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। आपको तो मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा देखना, परिपूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करना, ये कार्य प्रभु कोई कठिन नहीं, अत्यंत सरल है, अत्यंत सुगम है, अत्यंत सहज है, अत्यंत स्वाभाविक है। सभी जीव स्वभाव से परमात्मा 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 ही है। अपने को पूर्ण प्रभु जाने, पूर्ण प्रभु की प्रतीति करे, पूर्ण प्रभु का श्रद्धा करके मैं वर्तमान में परिपूर्ण प्रभु हूँ ऐसा जाने माने, और उसके अंदर में सादी अनंत काल के लिए रह जाए, ऐसी मंगल भावना।